क्या चल रहा है महेश केशवाला AKA थगेश। तो ऑन पब्लिक डिमांड आई एम बैक विद फेम हाउस पार्ट 2। बहुत डिमांड आई, मतलब इतनी डिमांड आई क्या बोलूं भाई। घर के बाहर तो मतलब लोग रातों रात खड़े हैं कि भाई दूसरा पार्ट बनाओ। देखो मैं खुद के लिए नहीं बना रहा वीडियो के, ना ही मैं मिलियन व्यूज के लिए बना रहा हूँ। मैं सिर्फ तुम लोग के लिए बना रहा हूँ, मेरी थक सेना के लिए बना रहा हूँ। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। और तुमको तो पता है मेरे को एक टॉपिक पे एक से ज्यादा वीडियो बनाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मतलब ओह माय गॉड आई नेवर डू दैट। शर्म करो, झूठ बोलो। हाँ ना भाई ठीक है, बार बार क्या है। तो वी आर बैक विद अनदर एपिसोड ऑफ फेम हाउस। एंड पिछले एपिसोड में हमने एक्चुअली देखा था कैरेक्टर्स कैसे इंट्रोड्यूस हो रहे थे। तो उसके बाद कंटेंट बनाने के लिए मैंने फेम हाउस के सारे एपिसोड देखे। स्वाप के लिए एक साथ बट 20 लोगों के साथ कोलैब करना, वो भी अलग अलग कंटेंट क्रिएटर्स। तो बहुत सारी क्रिएटिविटी बाहर आने वाली है, ये टिकटॉक के स्टेप्स ना भाई मेरे समझ के परे है। ये क्या है, ये लाइट बंद हो गया, मतलब ये स्टेप क्या है, ये हाथ का क्वालिटी चेक कर रहे हैं क्या हो गया मेरे जोक्स को। मैं दूसरों से बहुत कुछ सीख रही हूँ फेम हाउस पे आके, तो ये चीज़ अच्छा है। बट ज़्यादातर मुझे लगता है मेरे से लोग ज़्यादा सीख रहे हैं, मुझे ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं कि आप सबसे बड़े हो, आप मैच्योर्ड हो। मतलब मैं ही सिखा रही हूँ, मैं बड़ी हूँ इसलिए मुझसे सीखना चाहिए। That's right. हर आदमी को अपने से बड़े इंसान से सीखना चाहिए। मैं किससे सीखता हूँ पता है? मैं कमाल खान से सीखता हूँ। यस, मैं कमाल खान से सीखता हूँ क्योंकि वो मुझसे बड़ा है। आप लोग देखो इस मीठे आशीष चंचलानी के 16 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं और मेरे तो इसमें फिर इनको टास्क दिया गया ये बताने का कि हु इज हॉट और हु इज नॉट। स्प्लिट्स विला लेवल से भी नीचे का लेवल का कुछ हो सकता है, तो वो ये है। मतलब टास्क की मेहनत इमेजिन कर रहे हो, आपको बताना है हु इज हॉट हु इज नॉट। उसमें भी आगे रहे आज के दिन के लिए, मतलब पर्सनल दुश्मनावट नहीं है मेरी। For me, Ridima and Shelby, because मेरी अभी उन लोगों से इतनी बात नहीं हुई है। मेरी उन लोगों से बात हुई है तो he is hot, लेकिन मेरी उनसे बात नहीं हुई तो he is not। अच्छा हुआ ये मैडम फायर ब्रिगेड में नहीं है, नहीं तो सोचो क्या हो जाता। किसे रेस्क्यू करना है, मुझे 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 ये, अरे इससे तो मेरा कभी बात ही नहीं हुआ, इसको क्या रेस्क्यू करेगा। का ही लुक लिया है, थैंक यू। हील से लेके हेयर बैंड तक, राइट। 90s में ही ऐसे हील्स पहनते थे सब लोग। थैंक। यहाँ पे इतना ग्रुपिज्म था। वो अपने कोई हॉट बता रहे थे, तो हम लोग क्या करना है यहाँ पर। यो एक्सक्यूज मी मैडम, यू डोंट गेट टू से दैट। ओके तू तो बोली मत, बिकॉज मेरी अभी उन लोगों से इतनी बात नहीं हुई है। मेरी सबसे बहुत ज़्यादा अच्छी वाली बात हो चुकी है। अगर वो थोड़े एफर्ट्स डाले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं ऑनेस्टली शी इज लाइक वो लोग होते हैं ना रास्ते पे। इंडिया में ना इतना गंदगी है भाई क्या बोलूं, देश में रहने का ही मन नहीं करता है मेरा। सरकार कुछ करती ही नहीं है भाई। तो फिर यहाँ पे सबने अपने अपने दुश्मनों का नाम लिया और बाकियों ने ये पाउडर बॉय का नाम ले लिया, जिसको समझ नहीं रहा था कुछ सबने इसका नाम ले लिया। हाँ तारीख नॉट में ऑब्वियसली तारीख। इसका नाम ना ट्रिगर्ड इंसान होना चाहिए, जिस हिसाब से ये ट्रिगर हुआ है ना भाई। तो की रेस होती है तो जिसमें ना एक शेर होता है, शेर जो रहता है वो मतलब स्टार्ट भी नहीं करता है। बोला भाई इनके साथ रेस लगाना मेरी बेइज्जती होगी, ये रिएक्ट करना इन लोग के लिए तो मेरी भी बेइज्जती होगी। नहीं एक सेकंड, ये कोड तो वही है ना। तो बोला भाई इनके साथ रेस लगाना मेरी बेइज्जती होगी, तो मुझे रिएक्ट करना इन लोग के लिए तो मेरी भी बेइज्जती होगी। ऐसे ही कोड्स पे एक वीडियो बनाई थी मैंने, नहीं देखी होगी तो देख लेना। कैरी का नाम डाला टाइटल और थंबनेल में, फिर भी व्यूज। ये तो कैरी की बदनामी है। आप लोग कैरी की बदनामी कैसे हो रही थी, देखना जाके वीडियो। एक तो भाई स्वेट टू गॉड ये लोग पूरा टाइम पूल में ही रहते हैं। नहीं भाई सर पूरा टाइम पूल में ही, मतलब ठंडी वंडी नहीं लगती। ठंडी का टाइम है, स्किन वेन ड्राई हो जाएगा, जरा ध्यान रखो ना। देखो अभी पर्सनली मैं तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखता हूँ स्किन का। नहीं छोड़ो तुम लोगों को क्या बताना। अरे नहीं जाने। अच्छा ठीक है मैं लगाता हूँ मामा अर्थ का अपटन बॉडी लोशन। जो आपके बॉडी को मस्त वाला मॉइस्चराइज करता है एंड इट गिव्स यू ग्लोइंग स्किन एंड कीप्स यू हाइड्रेटेड एंड इट्स फॉर नॉर्मल स्किन टाइप्स एंड इसमें टर्मरिक दैट इज हल्दी। अगर अभी थोड़े भी बड़े हुए हो तो हल्दी सुनकर तो तुम लोग को समझ जाना ही चाहिए कि हल्दी के कितने बेनिफिट्स होते हैं। ये फाइट करता है आपकी डल ड्राई एंड डैमेज स्किन के साथ एंड इसमें है कोकम बटर विच अगेन हेल्प्स विद ड्राई एंड क्रैक स्किन एंड एज ऑलवेज इट्स मेड ऑफ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स एंड सिर्फ अपटन नहीं, विटामिन सी बॉडी लोशन फॉर रेडिएंट स्किन, रोज बॉडी लोशन फॉर डीप हाइड्रेशन एंड कोको बॉडी लोशन फॉर इंटेंस मॉइस्चराइजेशन भी है। सो यू कैन चूज अकॉर्डिंग टू व्हाट योर स्किन रिक्वायर्स एंड ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन द वेदर। नाउ जैसा मैंने हमेशा से बताया, मामा अर्थ आपके हर ऑर्डर को लिंक करता है एक ट्री से जो वो प्लांट करते हैं। एट 2025 तक मामा अर्थ का 1 मिलियन ट्रीज प्लांट करने का मिशन है एंड मामा अर्थ हैज आल्सो बीन अवॉर्डेड पेटास क्रुएल्टी फ्री एंड ब्यूटी विदाउट बनीज अवार्ड। तो बेसिकली हमारे कोई भी प्यारे प्यारे एनिमल्स हार्म नहीं होते एंड यूज कोड थगेश 2021। हाँ 2021 आ गया देखते ही देखते, मालूम नहीं पड़ा। यूज कोड थगेश 2021 टू गेट एक्स्ट्रा 20% ऑफ वैलिड ऑन mamaearth.in एंड द प्रोडक्ट्स आर आल्सो अवेलेबल ऑन Amazon and Flipkart, so go check them out. सिर्फ ये टास्क नहीं, इसमें और भी टास्क और वो तो इससे भी टफ, मतलब इतने टफ टास्क कि भाई मैं कैसे एक्सप्लेन करूं। मेंबर आगे आके बॉल्स जो हैं इस क्लास में अपने साइड से यू हैव टू ट्राई एंड थ्रो इट। हमारे इधर ना दिवाली में मेला लगता है, उधर ये करने का ना गुड़िया मिलता है छोटा सा। तो ऐसे ही लॉन्डन ने 2 टीम बनाया और डिसाइड किया कि कौन इसमें बॉल डालेगा और जिसका बॉल चला गया वो डिसाइड करेगा सामने वाली टीम में से कौन पूल में कूदेगा। कैप्टन को भी फेंक सकते हैं ना? कैप्टन को भी फेंक सकते हैं ऑफ कोर्स। सलाम अलैकुम। अलैकुम अस्सलाम। सलाम अलैकुम। व अलैकुम अस्सलाम करो। तारिक। जेडी तुम्हारे हाथ में भैया। अब सब कुछ तेरे हाथ में। क्या भाई क्रिकेट का वर्ल्ड कप है क्या? हाँ, ये क्रिकेट के वर्ल्ड कप में 1 ओवर में 22 रन चाहिए क्या? जेडी भी जब पूल में चले गए थे तो हम कहीं ना कहीं थोड़ा सा डीमोटिवेट हो गए थे कि यार अच्छे जो प्लेयर्स हैं वो तो जा चुके हैं। अबे पिंग पोंग बॉल डालनी है ग्लास में, ज्यादा कुछ नहीं करना है, इतना सा करना है और कैप्टन का भी इसमें कोई काम नहीं है, खाली बोलना है तू जा तू जा। ये बॉलीवुड देख देख के ना सब लोग इतना ड्रामेटिक हो गए हैं ना, अब सब कुछ तेरे हाथ में है। नहीं बट मेरे को प्रॉब्लम है, मैंने कहा वीडियो बना लो तो कहते हैं अभी 1 मिनट रुक जा 1 मिनट रुक जा, सब यही करते थे। और इनको मैंने 5 बार बोला, मैं सुबह गया, कल भी बोला इनको, कहते हैं मैं अभी खाना खा रही हूँ, फिर आज सुबह गया कह रही मैं ब्रेकफास्ट नहीं करूँ क्या? कल मैंने इनको कितनी बार बोला? आपने नहीं बोला, मुझे झूठ मत बोलो। नहीं, वो कोरोना दुनिया के अलग अलग देशों में अपने बच्चों को जन्म दे रहा है और इनकी दिक्कत क्या है, इसने मेरे साथ वीडियो नहीं बनाया, इसने मेरे साथ वीडियो नहीं, तो इतना क्या है टिकटॉक बन नहीं बनाया, मत बनाओ। कल को कोई भाई इनमें से मरता होगा प्यासा। भाई मेरा गला सूख रहा है, पानी पानी भाई भाई पानी। तो वही है ना जिसने टकाटक नहीं बनाया था मेरे साथ। क्या भाई मर जाऊंगा मैं, मानना पड़े। नहीं भाई गर्मी तो है, गर्मी तो बहुत है। पहले तो सब लोगों से ये पूछ रहा था कि हुक्कअप होता क्या? हमारे हरियाणा में हुक्कअप नहीं हुक्का ही चलता है। तो मेरे अलग लेवल का नशेड़ी है भाई, हुक्कअप छोड़ के हुक्का सुनाई दे रहा है इसको। जिसको कोई बोले ना ब्रो एक सीक्रेट है तू रखेगा क्या? सीक्रेट क्या है, हमारे इधर सिर्फ सिगरेट होता है भाई। अरे भाई सीक्रेट सीक्रेट राज राज, नो राज ओनली शिवास। ये तो राइम भी नहीं कर रहा है। बालों में क्या आरजीबी लाइटिंग लगा के आया भाई, ये क्या बाल है ये, मतलब क्यों जबरदस्त था क्या, ऐसा करना ही है। ये ना बॉडी घसने का जाली है, अगर इसको ब्लू पेंट कर दिया ना तो सेम इसके बाल जैसा दिखेगा। सो फेम क्रिएटर ऑफ दिस सीजन वो रहेगा जो आप लोगों को लगता है ड्यूरिंग दिस जर्नी ऑफ फेम हाउस जिसने बेस्ट कॉन्टेंट क्रिएट किया है। ओह आई नो कोई भी नहीं। ड्यूरिंग दिस जर्नी ऑफ फेम हाउस so the best content creator of this journey will get 500 million ki reach bruh. on MX Takata bruh 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 ye kya hai, nahi chahiye। all right guys, so Vishal is now declared as the fame creator of this season, everybody let's hear it for Vishal। मतलब ये लोग नहीं जीते, मतलब ये दिस इज व्हाट आई कॉल टैलेंट एंड ये बंदा जो ये बनाता है ये जीत गया। मतलब क्या बोले, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट जब आप 20 बच्चों को एक घर में डाल दे तो उस पर ग्रुपिज्म होगा ही ना। ओवर दैट तुम लोग बच्चों के हाथ में शो का रिजल्ट दे रहे हो। तुम लोग डिसाइड कर लो, तुम कर लो। शो क्यों बनाया? मैं क्यों भड़क रहा हूँ इधर? ऑल आई कैन से दिस इज द मोस्ट अननेसेसरी शो। ये नहीं बनता तो भी दुनिया में कुछ फर्क नहीं पड़ता। 20 टिकटॉकर्स जिनमें 15 को कोई जानता नहीं है, इन लोगों को एक रूम में डालो तो ईगो क्लैशेस तो होंगे ही ना भाई। छोड़ो अपने को क्या, अपने को तो सिर्फ कंटेंट निकालना है। तो यार दैट्स इट फॉर टुडे मित्रों। ये साल का पहला वीडियो है तो 30 मिनट गैंग फटाफट कमेंट में हाजिरी डालो। सब कमेंट को मैं पढ़ूंगा, सब कमेंट को मैं लाइक करूंगा। मोस्ट कमेंटेड वीडियो बना दो इसको। एंड भाई फॉलो मेरे इंस्टाग्राम @MaheshKeshwala। एंड रेडिट पे अपन मीम रिव्यू करने पर करेगा सेकेंड चैनल पे मीम रिव्यू करना है तो सब रेडिट का लिंक डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पे आप लोग मीम्स पोस्ट कर सकते हो। एंड अच्छे मीम्स होंगे तो मैं रिव्यू करूंगा। अगर इंस्टाग्राम से स्क्रीनशॉट लेके डाले होंगे तो नहीं करूंगा। एंड यार डोंट फॉरगेट टू चेक आउट मामा अर्थ, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी न्यू ईयर एंड पीस आउट।